मंगलवार का दिन नामांकन का आखिरी दिन रहा। सभी प्रत्याशी अपने अपने नामांकन में जुट गए। इसी के चलते उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से भी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए वह भारी समर्थकों के साथ सिग्नेचर ब्रिज से लेकर नंदनगरी जिला अधिकारी कार्यालय तक रोड शो करती हुई पहुंची। शीला दीक्षित ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के लिए क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए। एक तरफ से मनोज तिवारी है, दूसरे से दिलीप पांडे, जिसका गठबंधन के लोगों इतने दिनों तक चर्चा हुई। अब देखिए क्या नेचुरली जो हमारा फाइट है वो टफ है, लेकिन करेंगे। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय कर नामांकन भरवा दिए। अब देखना होगा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें हासिल कर पाती है। प्रिंस सोलंकी के साथ प्रिया शर्मा, तेज निगाहें दिल्ली।